द्वारा दो मासूम बच्चों की डंडों से पिटाई कर हत्या कर दी गई, जिसके चलते अब दलित समाज में काफी रोष है। वहीं आज समाज के लोगों ने मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व शिवपुरी में दो मासूम सड़क के नजदीक शौच कर रहे थे, उसी दौरान दो दबंगों ने बच्चों को वहां से मारपीट कर उन्हें सिर पर डंडों से वार कर दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। जिसके चलते आरोपियों को अब फांसी की सजा दिलवाने के लिए बलाय समाज ने रोष व्यक्त किया। वहीं आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग करते हुए रिगल चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। आज जो बड़े हिंदुस्तान के लिए बड़े कलंक का दिन है, हमारे वर्ग की, अनुसूचित जाति वर्ग की, वाल्मीकि समाज के दो मासूम बच्चे जो पिछले दिनों जातिवाद का शिकार हुए हैं, खुले में शौच करते वक्त गाँव के दबंगों ने, शिवपुरी जिले के भावखेड़ी गांव में ये घटना हुई थी, जिसको लेकर समस्त दलित समाज रोड पर उतरा है, सड़कों पर उतरा है। बाकी वर्तमान तक सरकार के द्वारा, ना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ना राज्य सरकार के द्वारा, ना ही केंद्र सरकार के द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक राशि भी ना उनको मुहैया करी गई, और जो फांसी की मांग हमने पिछले तीन दिन पूर्व करी थी उसको लेकर आज तक किसी भी नेता ने, मुख्यमंत्री हो या पीएम मोदी जी हो, किसी ने भी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंदौर से संदीप बुले की रिपोर्ट।